नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, ना ही इनो, ना ही सोडा और ना ही गेहूं का आटा, और इन घिया से बनाएंगे हम एक बढ़िया सा डोसा या चीला भी कह सकते हैं आप, और जो कि 5 मिनट में इतना झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। घिया को हम ना तो उबालेंगे ना ही हम उसे कसेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने 2 घिया ली हैं और उनको छील कर धोकर अच्छे से कट कर लिया है। अब सारी घिया जो कट हो जाएंगी, हम क्या करेंगे, ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें ये डाल देंगे, और इसमें फ्लेवर लाने के लिए हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो ओनली घिया घिया ही पीस कर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली इतनी स्वादिष्ट रेसिपी है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रहेगी। तो देखिए, ये यहाँ पर ले रही हूँ मैं पीनट्स 2 चम्मच। अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अदरक ले रही हूँ, और थोड़ी सी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3 से 4 जो है हरी मिर्च फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो इसमें ये कुछ भी ऐड ना करें, ओनली घिया पीस कर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, इसलिए हम ये चीज़ें डाल रहे हैं। अब इसे हम पीस लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, ये हमने पीस लिया है, और मूंगफली की वजह से ये थोड़ा सा वाइट लग रहा है। यह अच्छे से पिस गया है। इतना ही हमें, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है इसे, इस तरह से बारीक पीस लेना है। अब क्या करेंगे, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए, इसमें जो है सबसे ज़्यादा घिया का फ्लेवर आएगा, और घिया इतनी हेल्दी होती है, बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं, तो आप इस तरह से खिलाएंगे तो उनके बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी। और बच्चों के टिफ़िन में सुबह सुबह जल्दी होती है तो सब्जी नहीं बना सकते, या हम किसी और चीज़ के साथ देते हैं, तो आप ये देंगे तो आप सब्जी और रोटी दोनों का ही इसमें जो विटामिन्स हैं वो आ जाएंगे। तो देखिए, ये हमने सारा बैटर घिया का निकाल लिया है इसके अंदर। अब निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसमें आधी कटोरी सूजी डाल लेना है। देखिए, मैं यहाँ पर आधी कटोरी सूजी ली है मैंने। अगर अगर ये बैटर आपसे थोड़ा पतला हो जाए या फिर कोई और कारण हो, तब आप सूजी और ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इतनी सूजी काफ़ी है इसमें। अब इसमें 1 चम्मच नमक लेंगे हम, और थोड़ी सी लाल मिर्च लेंगे हम, और इसमें थोड़ा सा हम क्या लेंगे, हल्दी, ताकि कलर अच्छा आए जो हमारे डोसे हैं उनका। और थोड़ा सा ही हम इसमें लेंगे ऑर्गेनो मसाला। अगर आपके पास ऑर्गेनो मसाला नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लेंगे गरम मसाला, और थोड़ा सा हम यहाँ पर जीरा यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये बैटर काफ़ी थिक हो जाएगा। इस बैटर को हमें थोड़ा पानी डालकर हल्का हल्का सा पतला कर लेना है, एकदम से पानी ऐड नहीं करना है। धीरे धीरे पानी डालकर हम इसे ऐड, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर हमें इसका इसे पतला बैटर करना है। तो देखिए, ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो, आप इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए, ये हमने बैटर अच्छे से खूब अच्छे से मथ लिया है और अच्छे से मिला लिया है। सारे मसाले हमने ऐड कर लिए हैं इसमें, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब क्या करना है, हमें इसे कम से कम भी जो है ढककर 5 से 10 मिनट के लिए आप ज़रूर रखें, ताकि जो सूजी है हमारी वो अच्छे से फूल जाए, घिया को अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जो डोसे हैं या जो जो चिल्ले हैं, आप वो अच्छे से बना नहीं पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये अच्छे से जो है फूल चुकी है। अब हमें क्या करना है, अगर ये थोड़ा थिक और लग रहा है बैटर, तो हमें इसे हल्का सा पानी डालकर और भी थोड़ा सा पतला कर लेंगे। मतलब ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो ये बैटर, तो अच्छा है। वरना, क्योंकि सूजी अभी थोड़ी और फूल जाएगी, जैसे ही हम डोसे बनाएंगे थोड़ी थोड़ी थिक होती रहेगी। तो देखिए, अब ये हमारा बन चुका है। अब तवे को हमने गर्म कर लिया है, इस पर मैंने ऑयल नहीं लगाया है, सीधा ही ये बैटर डालेंगे अब, और इस तरह से फैला लेंगे अच्छे से। तो देखिए, अच्छे से फैलाने के बाद जब ये ऊपरी परत जो है बिल्कुल सूखी सूखी हो जाने के बाद, हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर से जो है हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम क्या है, इसे अच्छे से पकने देंगे, और बिल्कुल जब नीचे से थोड़ा सा पक जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल ड्राई होने के बाद ये जो पलटेंगे हम, फिर नीचे से हमें बिल्कुल अच्छे से इसे सेक लेना है, और उस साइड से भी हमें ऑयल लगाना है। तो देखिए, अब ये इधर से अच्छे से हमारा जो है ये डोसा है सीक चुका है। इस पर हम ऊपर से तेल लगा रहे हैं। अब इसे फटाफट से हम पलट लेते हैं, और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी ऑयल लगा लेंगे। अब आप अगर चाहें तो दूसरी साइड से, अगर आप सेकना चाहते हैं तो इसे सेकिए, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। ऑयल भी आपकी मर्जी है तो आप लगाएं,
घी या ऑयल जो भी आप लगाना चाहते हैं, या फिर आप बिना ऑयल के भी इसे रख सकते हैं। अब देखिए ये डोसा हमारा बनकर रेडी हो गया है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब दूसरा डोसा हम तैयार करते हैं। तो देखिए इसे अब हम फटाफट से प्लेट में निकाल लेंगे। अब दूसरी तरह भी यही करेंगे, हमें कपड़े से बिल्कुल जो तवे को साफ़ कर लेना है, उस पर ऑयल या घी नहीं होना चाहिए, वरना जो है हम बैटर अब इसमें डालेंगे तो वो है ना सारा फटने लगेगा। तो बिल्कुल साफ़ करके फिर इस तरह से हमें बैटर को डालना है और फटाफट से हमें ये जो है इसे ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद ही हम इसमें ऑयल लगाएंगे। अगर पहले ही ड्राई किए बिना ही हमने इसमें ऑयल लगा दिया तो हमारा जो डोसा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए ड्राई होने के बाद ही मैं इसे ऑयल लगा रही हूँ। अब इसे भी फटाफट से हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे हम अच्छे से, और सेकने के बाद ही हम इसमें अच्छे से जो ऑयल लगाएंगे। अगर पहले ऑयल लगाएंगे तो उसे पकने में उतना ही वक्त लगेगा, यानी कि ज़्यादा समय लगेगा। तो आप इस तरह से डोसे बनाएंगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो देखिए मैंने दो डोसे यहाँ पर बना लिए हैं, अब मैं इन्हें सर्व कर लिया है। आप भी बनाइए और खाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कितनी हेल्दी लगी। तो आप भी मैंने इसे प्लेट में सर्व कर लिया है, आप भी इसे चटनी दही जिसके साथ भी खाना पसंद करते हैं सर्व करिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए